प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा पहुंचे, जहां पीएम मोदी समेत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी मीराबाई जन्मोत्सव और इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मीराबाई के 525वीं जयंती के अवसर पर मीराबाई के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति के लिए जाना जाता है और उन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय हैं।